हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लाए हैं जो कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। उस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, पूरा कंटेंट देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें धीरे धीरे करके एक एक पार्ट करके हम जाएंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा इस पर बेस्ड है, न्यूट्रल एकदम। किस पर है तो आप बोलोगे बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, जो कि एडिशन पर, सब्सट्रैक्शन पर, मल्टीपल पर और फैक्टोरियल पर आज का पूरा टॉपिक बेस्ड होगा। तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो आपने देखा होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेष फल, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होता है, बचपन में आपने जैसे कोई एक नंबर रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो 25 को अगर मुझे 3 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, बहुत बेसिक से लेकर चलूंगा, ठीक है। जिनको आता है ठीक, जिनको नहीं आता उनके लिए भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपने बचपन में जो डिवाइड किया होगा वो 25 को 3 से डिवाइड किया होगा तो 8 टाइम्स गया होगा। तो आप बोलो सर यहाँ 1 बचा, तो ये जो लास्ट में 1 बचता था ना, इसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, यानी कि शेष फल बोलते हैं, ठीक है। तो बचपन में करते थे, अब नौकरी की पारी आ गई तो इतना बेसिक से तो नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे आप। जैसे चलो, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी एक नंबर ले लूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर मुझको इसको 2 से डिवाइड करना है, आप बस रूल जानते रहना, बस रूल जानते रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो रूल 1 देखते हैं। तो रूल 1 में आपको ये देखना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इनफिनाइट नंबर दे, कितने भी नंबर दें, अगर मैं क्या 2 से डिवाइड करूँ तो क्या मुझे ऐसे करना है क्या, अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है ना तो सिंगल लास्ट डिजिट, मैं क्या बोल रहा हूँ आप देखते जाना, सिंगल लास्ट डिजिट पर फोकस करना है, ठीक। चलो, सिंगल लास्ट डिजिट का मतलब ये है, यहाँ पर आप समझेंगे, लास्ट जो 7 दिया है ना, आप उसको ना 2 से भाग कर देंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा कटेगा नहीं, 1 बच जाएगा। तो लास्ट में 2 को डिवाइड करोगे, जो बच जाएगा ना वही आपका हमेशा क्या होगा ना, रिमाइंडर होगा। ये तो रूल आपका किसका था, तो 2 का, ठीक है। चलो फिर रूल नंबर 2 देखते हैं 3 के लिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके नंबर दिया हो और आपसे बोलो सर आप 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करने का आपको रूल पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब सभी अंकों का योग जो ऊपर दिया इन सबको जोड़ लेंगे, यदि वो 3 का मल्टीपल बना, अगर वो 3 का मल्टीपल बना तो आप कह देना कि वो पूरा पूरा 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। जैसे समझना इस चीज़ को अच्छे से। चलो, हमने कहा इन सबको जोड़ दो आप, तो बोलोगे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। तो आप बोलोगे सर ये पूरा जोड़ने पर 21 आया, तो हमने कहा ये 3 से कट जाएगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आया ना वो 0 आया, पूरा कट गया तो रिमाइंडर बचा ही नहीं, ठीक है। चलो, तो एक और समझते एग्जांपल लेकर चलो। जैसे 2, 3, 4, 5 को मुझे डिवाइड करना हो 3 से, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा, तो आप आराम से बोलना सबको जोड़ लेंगे, 5 4 9 3 12 2 12 2 14, 14 को अगर मैं 3 से भाग कर दूँ तो आप बोलोगे सर ये पूरा कटेगा नहीं, तो कितनी बार में जाएगा। आप बचपन में अगर किए होंगे इस चीज़ को 14 को 3 से भाग करने का, तो यहाँ बचा होगा 2, तो 2 ही क्या होता था, रिमाइंडर। अब बार बार इस चीज़ को ऐसे मत करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज रखोगे तो आ जाएगा। तो इसको भाग करोगे 3 4 12 3 4 12, यहाँ 2 बच जाएगा, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। तो चलो, 3 का भी रूल आपको पता चल गया। चलो रूल नंबर 3 जो कि 4 के लिए। तो कोई भी नंबर लिख दूँ लास्ट से मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ पे क्या फोकस करना है, केवल लास्ट 2 डिजिट पर। याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। 9-10 पैटर्न होते हैं, ठीक है। फर्नेट थ्योरम होता है, विल्सन थ्योरम होता है, चाइनीज थ्योरम होता है, ठीक है, इलोर थ्योरम होता है, ऐसे करके बहुत सारे बायनोमियल थ्योरम होते हैं, बहुत होते हैं। तो आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट कितना है, तो 21 है। तो 21 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा ही नहीं, 1 बच जाएगा, जो 1 बच जाएगा वही आपका क्या होगा ना, रिमाइंडर। 1 जो बच जाएगा वही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। फिर एक बात और आपको नोट रखनी है कि 4 के डिविजिबल, या 4 का आप कह सकते हो जो डिविजिबल होता है, फोर्थ का जो डिविजिबल होता है वो लास्ट 2 डिजिट से डिसाइड करते हैं। किससे डिसाइड करते हैं, लास्ट 2 डिजिट से, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट हो या लास्ट में 2 0, तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर 100 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा कट जाएगा, 200 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा कट जाएगा, 210 को मैं 4 से डिवाइड करूं, जरूरी नहीं कि कट जाए। फिर आप लास्ट 2 डिजिट को काटोगे, कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो वो नहीं कहलाएगा, फिर वहां से रिमाइंडर निकल जाएगा, ठीक है। चलो,
फिर हम रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर फोर जो कि फाइव का मल्टीपल होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके पांच से करना है। तो पांच की डिजिटी चेक करने के लिए आपको लास्ट सिंगल डिजिट से मतलब, लास्ट सिंगल डिजिट से मतलब, लास्ट सिंगल डिजिट अगर पांच से कट गई तो ठीक, नहीं कटा तो जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। लास्ट डिजिट लीजिएगा आप 6, पांच से डिवाइड करोगे तो एक बच जाएगा, तो एक यहां से क्या है ना आपका रिमाइंडर है, ठीक है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बस आप देखते रहो, ठीक है। चलो तो पांच को भी आपको समझ में आ गया, पांच का भी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो फिर सिक्स का छोड़ देते हैं, फिर आगे देखते हैं रूल नंबर, रूल नंबर फोर का, रूल नंबर फाइव, रूल नंबर फाइव टेन पर बेस पर देखते हैं। चलो जैसे 1, 2, 1, 1, 2 ले लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ले लिए और 10 से डिवाइड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर भी लास्ट लास्ट सिंगल डिजिट देखनी है। क्या देखनी है? लास्ट सिंगल डिजिट देखनी है, लास्ट सिंगल डिजिट, ठीक है। चलो तो लास्ट सिंगल डिजिट 6 है, तो 6 को 10 से भाग करोगे तो जाएगा ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो जो शेषफल आ जाएगा आपका, जो रिमाइंडर आ जाएगा वहां से 6 हो जाएगा, वहां से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला, तो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है और मुझे 100 से डिवाइड कर, किससे डिवाइड करना है? 100 से। तो आप बोलोगे 100 से डिवाइड करना, जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट 1 डिजिट देख रहे थे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, तो क्या देखेंगे यहाँ पे? लास्ट 2 डिजिट, याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो लास्ट डिजिट 56 है, तो 56 को अगर आप 100 से डिवाइड किए तो आप बोलोगे डिवाइड होगा ही नहीं, डिवाइड नहीं होगा तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, नहीं कटेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया? 56। चलो ये बात भी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, तो बहुत लंबा नहीं है, आराम से समझेंगे तो आ जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर, रूल नंबर 7, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया है और हमें 25 से डिवाइड करना है, तो 25 क्या करता है? तो आप बोलोगे 5 का ये नियम था कि लास्ट सिंगल डिजिट पर फोकस करना था, 25 का मतलब यह है कि लास्ट 2 डिजिट पर आपको फोकस करना है, किस पे करना है? तो लास्ट 2 डिजिट पर आपको फोकस करना है, तो आप बोलोगे लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो 67 है, तो 67 को अगर मैं 25 से भाग करूं तो आप बोलोगे 50 तो चला जाएगा, 17 बच जाएगा, तो 17 ही क्या हो जाएगा ना आपका रिमाइंडर, 17 ही आपका क्या हो जाएगा ना रिमाइंडर, ठीक है। तो चलो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, और देखते हैं, चलो देखो समझने के लिए। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 डिवाइडेड बाई 8। अगर मैं आपसे बताऊं जब आप 2 से डिवाइड कर रहे थे तो आप लास्ट डिजिट सिंगल डिजिट देख रहे थे, जब आप 4 से भाग कर रहे तो आप 2 डिजिट देख रहे थे, जब आप 8 से भाग कर रहे हो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है, अगर 2 की पावर 3 8 होता है तो अगर 8 से आप भाग करोगे तो लास्ट 3 डिजिट देखना है आपको, क्या देखना है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट देखना आपको, ठीक है। चलो तो ये कितना है? 560, तो 560 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे हाँ ये कट जाएगा, तो यहाँ जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपका 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फिलहाल आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी कि हमने जो बेसिक अभी बताया आपको ऐसे ऐसे करके आराम से, वो आपको पैटर्न बताना चाह रहे हो, यहाँ से रिमाइंडर निकालने का तरीका बताना चाह रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप समझिएगा। चलो तो पहला देखते हैं रिमाइंडर इन एडिशन। मान लो अगर एडिशन में रिमाइंडर पूछा हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ, एग्जांपल देखिए समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा 37 है, कितना है? 37, इसको 5 से डिवाइड करना है, तो आप बोलोगे सर 37 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 7 टाइम्स जाएगा और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। चलो याद रखना यहाँ से 2 आ गया, तो हमने कहा यहाँ से रिमाइंडर तो आपका 2 आ गया, वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। लेकिन हमने कहा एक बात बताओ, मान लो इसको मैं 25 + 12 लेकर अपॉन 5 कर दूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। 37 को 25 + 12 लिख सकता हूँ कि नहीं? चलो अब एक चीज समझना, तरीका आपको समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। चलो इसको काटोगे तो पूरा कट जाएगा, यहाँ से कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, तो बोलोगे यहाँ से 0 रिमाइंडर बचा। फिर इसको फिर यहाँ से काटो, काटोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे 0 + 2, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? तो 2 आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और लेके समझाता हूँ, आप समझो। जैसे 100 अगर 4 दिया हुआ डिवाइडेड बाई मुझे 10 से करना है, तो आप इसको चाहो तो 100 + 4 लिखकर डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हो,
और जैसे इसे आप सॉल्व करोगे ना, ये कट जाएगा और फिर यहां से क्या, फिर इसको काटोगे तो यहां से कितना बच जाएगा, चार। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता तो समझिएगा। 100 प्लस 4 डिवाइडेड बाई आप 10 रख सकते हो, फिर आप चाहो तो 100 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 बाई 10 आप ये रख सकते हो। अरे बचपन में आपने पढ़ा होगा ना कि अगर a प्लस बी बाई अगर c है तो आप चाहो तो a बाई c प्लस b बाई c रख सकते हो, क्योंकि नीचे अगर कॉमन होता है तो एलसीएम क्या हो जाता है, c वही चीज़ आ जाएगा, फिर a प्लस बी यही चीज़ हो जाएगा, तो घूमकर वही चीज़ आ जाती है। बचपन में आपने चीज़ को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। चलो तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसको काटोगे तो पूरा कट जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर तो जीरो आया, और मैंने बोला अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाए नीचे वाली से तो रिमाइंडर ही वही हो जाता है, तो आप बोलोगे जीरो आया, ये प्लस फोर आया, तो रिमाइंडर यहाँ से फोर आया, सेम वही आया जो कि पहले आया। तो आप एडिशन में समझ रहे हो ना कि कितनी बड़ी वैल्यू एडिशन में क्यों रहते हो, नीचे सबको कॉमन से काटना है। जैसे जैसे मैं 101 ले लूँ प्लस 102 ले लूँ प्लस 103 ले लूँ प्लस 104 ले लूँ प्लस 105 ले लूँ, और मैंने कहा डिवाइडेड बाई आपको 100 से करना है, किससे करना है, 100 से करना है, तो आप बोलोगे चलो तो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, सबको यहाँ से काटो तो यहाँ से एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से काटोगे तो दो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से काटोगे तो तीन रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से काटोगे तो चार, यहाँ से काटोगे तो पाँच, ठीक है। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, तो आप बोलोगे 15 बचा, अभी भी नीचे हमारा 100 तो रहेगा ही रहेगा। आप बोलो ये तो कट नहीं रहा है, तो आपका रिमाइंडर जो हो जाएगा 15, 15 क्या हो जाएगा ना हमारा रिमाइंडर, 15 इज आर रिमाइंडर, ठीक है। चलो 15 क्या है ना, इसका रिमाइंडर है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन और समझने के लिए आपको। चलो जैसे मैंने कहा कि 299 कितना दिया, 299 प्लस, आप समझते जाना, आप समझते रहोगे तो बहुत आसान से समझा पाएंगे हम, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो 299, फिर हमने कहा 399 प्लस 401 प्लस 501, तो हमने कहा इसको डिवाइड करना है आपको 100 से। देखना यहाँ पे एक नई बात सिखाने वाला हूँ आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, तो आप पहले समझना इस चीज़ को, ठीक है। चलो हमने कहा इसको अगर काटेंगे तो यहाँ से पूरा पूरा 99 बच जाएगा, फिर यहाँ से काटेंगे तो पूरा 99 बच जाएगा, फिर यहाँ से काटेंगे तो केवल एक बच जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो फिर एक बच जाएगा। हमने कहा इन सबको जोड़ देंगे तो 99 प्लस 99 प्लस 1, यानी कि 99 प्लस 99 प्लस 1 प्लस 1, तो ये यहाँ जुड़कर 100 हो जाएगा, यहाँ जुड़कर 100 हो जाएगा, तो आप बोलोगे पूरा पूरा 200 हो जाएगा। 200 को फिर 100 से काटोगे तो पूरा इक्वेशन कट जाएगी, तो जीरो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना है, जीरो है। तो मैंने कहा यार क्या इसको इतना इस तरह करना क्या जरूरी था, क्या इस तरह करना जरूरी था क्या, नहीं ना। पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर में क्या थ्योरम होता है, जैसे आप समझिएगा। पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर, बहुत बेसिक ले चल रहे हैं, बेसिक जिसको आया पूरा जितने भी पार्ट पढ़ाऊंगा 5, 6, 7 जितने भी हो सकेंगे पूरा थ्योरम आपको अच्छे से आ जाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है आना, ठीक है। बेस कमजोर है कुछ नहीं हो सकता, ठीक। चलो तो हमने कहा पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे हमने कहा कि अगर 99 है और इसको मैं 10 से भाग कर दूं, तो आप बोलोगे सर बचपन में हमने ये पढ़ा था कि 99 है और इसको हम 10 से अगर भाग कर दें तो 9 टाइम में 90 चला जाएगा, बचेगा 9, तो 9 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो 9 क्या है ना, इस इक्वेशन का रिमाइंडर है, 9 क्या है, इस इक्वेशन का रिमाइंडर है, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे यहां से तो हमने बहुत आराम से निकाल लिया कि 9 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा लेकिन मैंने कहा एक बात बताऊं, ये जो आया है इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, दिख ही रहा है पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, फिर से इस चीज़ को देखना, यहाँ पे एक पहलू और होता है इसका। हमने कहा 99 है, इसको अगर हम 10 से भाग कर दें, 10 से भाग कर दें, तो आप बोलोगे 10 टाइम अगर ले जाएं तो ये 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ से लेस करेंगे तो -1 आ जाएगा। आप बोले सर आप ऐसा क्यों करें, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 9 टाइम ले जा सकते हैं। हमने कहा हम नौकरी की तैयारी करें, वनडे कर रहे, थोड़ा सा अगर हम अपने तरीके से घुमा कर थोड़ा सा अच्छा लाना चाहें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझो। जैसे देखो अगर 10 को 10 टाइम ले गया तो 100 माइनस 1 आया, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर 99 है अगर मैं 10 से काटूँ तो आप बोलोगे सर पूरा पूरा अगर 10 बार में लेके जाओ, अगर मैं चाहूँ इसको 100 बनाना है तो इसको मैं, आप क्या लिख नहीं सकते आप इसको यहाँ पर कि 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? तो 99 अपॉन 10 था, क्या आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो क्या? चलो
क्या इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? क्योंकि 100 में सुमन गया तो 99 आएगा ना, फिर आप कहोगे तो समझते रहना, फिर आप 100 अपॉन 10 रख देना इसको अलग से, फिर -1/10 रख देना, बोलोगे सर ये तो पूरा कट गया, यहाँ से जीरो आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी हो नीचे वाले से तो वही रिमाइंडर होती है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से -1 आ गया रिमाइंडर, यही तरीका तो था, ये आपका -1 रिमाइंडर आ गया। बोलो अब क्या करें? तो आपको एक नोट याद रखना है कि रिमाइंडर कभी भी किसी भी हाल में निगेटिव नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि रिमाइंडर जो है वो कभी निगेटिव नहीं होता। तो क्या करेंगे, अगर मान लो किसी हाल में हमारा निगेटिव रिमाइंडर आ गया, जैसे कि यहाँ -1 आ गया भैया, अगर जैसे ही निगेटिव रिमाइंडर आपका आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्चुअल डिवाइजर ये आप कह सकते हो, सिंपल सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप समझ सको। चलो डिवाइजर से आपको उसको लेस करना होगा, डिवाइजर से आप क्या करना होगा, लेस करना होगा। जैसे समझो अब आप बोलो इसको जो डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा था, 9, लेकिन जब इसको हम निगेटिव में ले जाना से, भाई किसी का रिमाइंडर सुनना, किसी भी क्वेश्चन को साल को रिमाइंडर 2 आ सकते हैं, तो पॉजिटिव आ सकते हैं तो निगेटिव आ सकते हैं, ठीक है। हमको लगेगा कि निगेटिव करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, जल्दी हो जा रहा है, तो हम निगेटिव ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने निगेटिव ले लिया, तो पॉजिटिव तो 9 आ रहा था, निगेटिव -1 आया, तो आप बोलो डिवाइजर कितना था आपका, तो आप बोलोगे डिवाइजर हमारा 10 था, डिवाइजर कितना था 10, तो 10 रख दो, और जो निगेटिव आ रहा था आप उसको 1 रख दो, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। निगेटिव रिमाइंडर का मतलब ये नहीं कि सिंपल अगर निगेटिव तो निगेटिव रख दोगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप ये समझ सकते हो इस चीज को देखने के लिए। देखो इस चीज को कर सकते हो आप इस पैटर्न पे, चलो कि आप उसमें से ना निगेटिव नंबर को जोड़ देंगे, डिवाइजर में निगेटिव नंबर जोड़ देंगे, जैसे जोड़ोगे तो -1 ये रहेगा, सॉल्व करोगे तो 10 में से -1 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9, बात वही पड़ी, घुमाकर वही आया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। चलो जैसे यहां देखो, जो मैं क्वेश्चन यहां रुकवाया था, चलो तो मैंने कहा 299 था प्लस 399 था प्लस 401 था प्लस 501 था डिवाइडेड बाई 100 था, तो आप कहोगे इसको मैं काट दूंगा तो यहां से तो 1 आ जाएगा, यहां से काट दूंगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो दोस्त देखो 100 को अगर लेने जाना तो 300 बार ले जा सकते हो, 300 ले जा सकते हो, जैसे ही 300 ले जाओगे तो एक ज्यादा ले जा रहे, इसको -1 कर सकते हो, 400 ले जा सकते हो, एक -1 और ये दोनों +1 था, ये दोनों +1 था। आप मेरे को बताओ, दो बार माइनस आया तो क्या -2 नहीं हो गया, दो बार प्लस आया तो +2 नहीं हो गया, डिवाइडेड बाई 100 हो गया, आप इसको घटाओ क्या ये घटकर 0 नहीं हो जाएगा, 0/100, तो आप बोल सकते हो रिमाइंडर सर यहां से कुछ आया ही नहीं, रिमाइंडर यहां से कुछ आया ही नहीं, सेम जैसा कि ऊपर वाले में नहीं आया वैसा इस वाले क्वेश्चन में भी रिमाइंडर नहीं आया। देखो वहां पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में 0 आ रहा था, यहां पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और समझते, चलो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप समझते रहो, धीरे धीरे करके सारा बेसिक हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने कहा 326 प्लस 452 प्लस 562 प्लस 501 और डिवाइडेड बाई हमने कहा 25, तो 25 का रूल हमने सिखाया है कि आपको लास्ट टू डिजिट से मतलब होता है, ठीक है। चलो हमने कहा एक नंबर और ले लेते हैं 624, ठीक। चलो तो हमने कहा हमें निकालना है, हमने कहा लास्ट टू डिजिट अगर काटोगे, 26 को काटोगे तो एक बच जाएगा, तो एक ज्यादा बच रहा है प्लस में, 50 से कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो फिर यहां से 2 प्लस में बच जाएगा, फिर 25 दुनी 50 हो जाएगा, 62 को काट 62 को 25 से डिवाइड करोगे, लास्ट टू डिजिट करना है 25 में, आपको याद है पैटर्न सिखा के आया हूं, ठीक है। तो 62 को 25 से डिवाइड करोगे तो 12 बच जाएगा, तो आप 12 रख लो, फिर यहां से डिवाइड करोगे लास्ट टू डिजिट तो केवल 1 बचेगा। यहां से देखो तो 25 हो सकता था, अगर नहीं लोगे तो फिर आप 24 को अगर 25 से भाग करोगे तो रिमाइंडर आपका 24 ही आएगा। तो मैंने कहा इतना लंबा लेने जरूरत तो नहीं है, निगेटिव रिमाइंडर यूज करो, क्या 25 होने में एक कम है क्या, तो -1 प्लस 1 ये तो कट गए, फिर कितना बचा 12, तो 14 एक 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 25, तो अगर ये नहीं कट रहा है तो यही 15 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर,
ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा ना, रिमाइंडर। चलो तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रिमाइंडर में कैसे हम इस चीज़ को एडिशन में कैसे नंबर ऑफ रिमाइंडर या रिमाइंडर थ्योरम को कैसे फॉलो करते हैं आपको समझ में आ गया। ठीक है चलो, इन मल्टीप्लाई, इन मल्टीपल रिमाइंडर थ्योरम को अगर हम देखें मल्टीपल में कैसे होगा कैसे नहीं होगा समझते हैं। चलो रिमाइंडर थ्योरम को मल्टीपल में समझते हैं। चलो देखो, मैंने कहा कोई एक नंबर लिख लेता हूं, जैसे 21, चलो 210 इंटू 202 इंटू 198, 198 इंटू चलो 303। मैंने कहा डिवाइडेड बाय आपको करना है ना 4, क्या करना है आपको 4। तो आप बोलोगे अगर इसे हम सॉल्व करें तो 4 का मतलब ये था कि लास्ट टू डिजिट्स आपको मतलब होता है। तो भैया आपने इसको ऐसे काटा तो लास्ट टू डिजिट क्या बचेगा, 10 से 4 को 10 में काटोगे ना, 4 दुनिया 8 2 बच जाएगा, आप 2 रख के चलो। ठीक है, फिर आप यहां से काटोगे फिर यहां से भी 2 बच जाएगा, फिर आप यहां से काटोगे ना तो टेबल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं कि अगर मैं चाहूं तो इसको 4 का मल्टीपल में 100 आता है, तो 100 से कितना कम है, तो मात्र 2 कम है, तो आप -2 लिख सकते हो। फिर यहां देखोगे तो 3 ज्यादा, आप 3 रख सकते हो। आप देखो तो +2 ये है, +2 ये है, -2 ये, दोनों कट जाएंगे। फिर आप देखोगे 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5, तो आप 5/4। तो आपको भी पता चल रहा है जो 5 है वो 4 से क्या है ना भी ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो 1, 1 ही क्या हो जाएगा ना आपका रिमाइंडर, 1 ही आपका क्या हो जाएगा ना रिमाइंडर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो जैसे मैं एक नंबर ले लूं 211 इंटू 199 इंटू 297 इंटू 396 डिवाइडेड बाई 100। अगर आप इसको देखें तो आपको पता है कि भैया इस तरह में तो रिमाइंडर बहुत बड़े बड़े बचेंगे 100 डिवाइड करने में। क्यों ना हम अप्रॉक्स जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को ध्यान रखते हो। जैसे मैंने इससे काटा इसको तो बोलो 200 पूरा कट गया, 11 बच गया। फिर हमने कहा इसको ले जाएंगे, 200 जा सकता है पूरा पूरा, कितना कम पड़ रहा है, तो -1। चलो तो ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आप समझ सको। चलो तो इसका रिमाइंडर पूरा इसका पूरा रिमाइंडर तो यहां से 11 बच गया, इसका क्या बच रहा है, तो आप बोलोगे -1 बच रहा है। फिर आप इसको काटोगे 300 जा सकता है, 300 में 3 कम है, तो आप इसको -3 लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसको देखोगे तो 4 कम पड़ रहा है, तो -4 लिख सकते हो। फिर आप कहोगे सर ये 11 है, ये -1 है, ये -3 है, -4 है, तो 4, 3, 7 और 1, 8, 11 में से अगर 8 घट गए तो सर आप बचेंगे 3। तो 3 अभी जो आपका बच रहा है वो फिर देखना है 3 क्या 100 से छोटा है, तो आप बोलोगे हाँ 100 से छोटा है, यही हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा क्या है रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है रिमाइंडर। तो फिलहाल आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है चलो फिर एक और देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम इन सब्सट्रैक्शन, रिमाइंडर थ्योरम इन सब्सट्रैक्शन। चलो समझते हैं इस चीज को अच्छे से लेकर। चलो जैसे हमने कहा 1, 2, 4, 3 ठीक है, 148 और डिवाइडेड बाय क्या करना है ना 10 से, तो बोलो रिमाइंडर यहां कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 10 का मतलब ये था लास्ट सिंगल डिजिट से मतलब होता है, तो सिंगल डिजिट यहां का 3 है, तो आप बोलोगे सर यहां पे 3 ही बच जाएगा, यहां पे 8 है तो सर कटेगा ही नहीं, यहां 8 बच जाएगा, फिर नीचे आप 10 रखोगे, फिर आप डिवाइड करोगे तो -5/10 आया। तो मैंने जैसे ही बोला, जैसे ही आपका नेगेटिव रिमाइंडर आया, जैसे ही आपका नेगेटिव रिमाइंडर आया आपको क्या करना है, डिवाइजर में नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड करना है। तो आप देखोगे डिवाइजर कितना है, तो आप बोलोगे 10, नेगेटिव रिमाइंडर आया -5, आप जोड़ दोगे तो फिर घूमकर आपका 5 ही आ गया। अलग बात है 5 आया, लेकिन 5 आपका क्या है ना यहाँ से रिमाइंडर आया, 5 क्या है आपका यहाँ से रिमाइंडर। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि रिमाइंडर कैसे आया यहाँ पे, कैसे नहीं आया, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है तो कोशिशें करते हैं थोड़ा सा और देखने का, पॉजिटिव नेगेटिव एक बार और आपको अच्छे से समझा दूं मैं, थोड़ा सा रूल कुछ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे कोई एक नंबर लेते हैं हम समझने के लिए, चलो चलो एक नंबर लिया हम लोगों ने, मैंने कहा ऐसा है 201 को एक बार 100 से डिवाइड करके देखो और एक बार 198 को भी 100 से डिवाइड करके देखो,
तो आपने बोला सर ऐसी बात है ना, 100 ना 200 बार जा सकता है, तो आप अगर यहाँ से चाहो तो रिमाइंडर आप यहाँ से एक बचा सकते हो। तो हमने क्या क्या इसको 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100 नहीं लिख सकते? ठीक है, लिख सकते हैं आराम से। चलो फिर आप कहोगे एक चीज़ और लिख सकते हैं, 200 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 100, ये भी तो लिख सकते हैं, सिखाया बहुत पहले मैंने। इस वाले में देखना क्या इसको आप यहाँ से देखो तो रिमाइंडर 98 नहीं बच रहा है, 98 बच रहा है ना, रिमाइंडर 98 बच रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ से थोड़ा सा आसान तरीका देखो, तो क्या मैं इसको 200 माइनस 2 अपॉन 100 नहीं लिख सकता? मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, आप बताओ मेरे को, आराम से लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आप बोलो क्या 200 अपॉन 100 माइनस 2 अपॉन 100 करके क्या मैं इसको पूरा काट दूं तो केवल -2/100 जो कि निगेटिव रिमाइंडर आ गया, क्या रिमाइंडर आ गया क्या निगेटिव में? चलो फिर यहाँ देखो तो पूरा कट जाएगा, फिर यहाँ देखोगे तो केवल एक रिमाइंडर आएगा। एक्चुअली ये रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव में आया और ये रिमाइंडर जो है वो किस में आया ना, निगेटिव में आया। किसमें आया? निगेटिव में आया। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ से जो -2 आया था, -2 जो आया है वो निगेटिव रिमाइंडर है, तो इसको पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने सिखाया है आपको, डिवाइजर में आपको निगेटिव रिमाइंडर क्या करना है ना, ऐड करना है बस विथ सिंबल। तो डिवाइजर कितना था, 100 था, डिवाइजर कितना था तो आपका 100 था, तो 100 में आपको -2 जोड़ना था तो आपका आता 98। कितना आता? 98। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर ध्यान से देखो आप ध्यान से, तो आप बोलोगे अगर मैं चाहता 198 को 100 से डिवाइड करता, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता 198 को अगर 100 से डिवाइड करता तब भी मेरा यहाँ से 98 आता। लेकिन मैंने कहा इतनी बड़ी वैल्यू लेने की क्या ज़रूरत है, आप केवल निगेटिव में लेके चलो ना। तो रिमाइंडर आपके क्या होते हैं, आपने सीखे कि पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव रिमाइंडर आपके दोनों होते हैं। ठीक है, तो देख लिए होंगे कि यहाँ पे कैसे पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर में निगेटिव रिमाइंडर कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अभी धीरे धीरे करके आप और आराम समझोगे, पार्ट बहुत सारे बनेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, आपके मन में ये आ रहा होगा कि मान लो सर बार बार ऊपर कभी, मतलब मान लो कोई नंबर ले रहे हैं 1 या कोई भी नंबर ले रहा हूँ मैं, 200 ले रहा हूँ, नीचे फिर मैं आप 100 ही क्यों ले रहा हूँ, कुछ ऐसा नंबर क्यों नहीं ले रहा हूँ कि प्राइम नंबर हो जाए नीचे, जिसके काटने पर बहुत आसानी मुश्किल होता है तो प्राइम नंबर हो जाए। तो मैंने कहा ये सब जो सारे थ्योरम जो हमारे बनेंगे ना, वो फर्नेट थ्योरम बनेंगे, बायनोमियल थ्योरम बनेंगे, यूलर थ्योरम बनेंगे, ऐसे करके विल्सन थ्योरम बनेंगे, वो कई थ्योरम है, धीरे धीरे करके आप पढ़ते जाओगे। अभी जितना है आप उस पर उतने पे फोकस करो, ज़्यादा मत सोचो, अभी सारा चीज़ धीरे धीरे करके दूंगा, एक बार की तो नहीं दे सकता मैं, स्टेप बाय स्टेप ही दूंगा आपको। चलो तो रिमाइंडर इन फैक्टोरियल अभी फैक्टोरियल पे बहुत बेस क्वेश्चन आएगा, अभी बस मैं खाली एक बेसिक दे रहा हूँ, बेसिक इंट्रो क्लास है रिमाइंडर का, तो उस पर आप समझो केवल बस। ठीक है, चलो जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 1 है, प्लस फैक्टोरियल 2 है, प्लस फैक्टोरियल 3 है, प्लस फैक्टोरियल 4 है, ऐसे ऐसे करके हमने कहा फैक्टोरियल 100 तक है जो कि डिवाइडेड बाई है आपका 5 से, जो कि डिवाइडेड बाई है आपका 5 से। तो आप बोलो रिमाइंडर कितना होगा, तो आप बोलोगे एक बात यहाँ हमें समझ में आई थी, बहुत पहले पढ़े थे कि फैक्टोरियल 1 में तो 5 नहीं आता, फैक्टोरियल 2 में भी नहीं आता, फैक्टोरियल 3 में भी नहीं आता, फैक्टोरियल 4 नहीं आता, फैक्टोरियल 5 में 5 आना शुरू हो जाता है। आप अगर शुरू से वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता होगा ये चीज़ है ना, देखो यहाँ पर भी कहीं 5 नहीं आता और यहाँ पर भी कहीं 5 नहीं आता और यहाँ पर भी कहीं 5 नहीं आता। तो आप बोलोगे तो आता कहाँ से, फैक्टोरियल 5 से। तो आप कह सकते हो कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, तो 5 के पास से आने वाले 100 तक फैक्टोरियल में सब जो है ना 5 के मल्टीपल होंगे या 5 से डिविजिबल होंगे। तो ऐसे कितने हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक ऐसे होंगे जो उसके डिविजिबल नहीं होंगे। तो बस आपको इन्हीं का नंबर निकाल लेना है, आपको इन्हीं का नंबर निकालना है। फैक्टोरियल 1 एक्चुअली 1 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है और डिवाइडेड बाई 5, इसी पर तो रिमाइंडर डिपेंड करेगा। आप बोलोगे सबको अलग अलग काट सकते हैं, यहाँ से काटोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से काटोगे तो -1। अब ये मत पूछना कि -1 कैसे है, 25 बार में 25 ले जाओ, 5 5 25, एक ज़्यादा ले गए तो कम करो -1। तो आप बोलोगे यहाँ से 2 ही बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो आप बोलोगे ये 1 है ये -1 ये तो कट जाएगा, केवल रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो ऐड कर दोगे 3। तो 3 को 5 से डिवाइड करोगे, स्मॉलेस्ट है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका रिमाइंडर। देखो फैक्टोरियल में भी चीज़ें हो गई,
ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं, आपको आराम समझ में आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट देखो, मैंने कहा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ऐसे ऐसे करके फैक्टोरियल 99 तक है। और मैंने कहा ऐसा है, आपको 13 से देखना है कि 13 से रिमाइंडर कितना होगा। आप एक चीज़ मेरे को बताओ, क्या 1 से लेकर 99 तक कहीं 13 नहीं आ रहे होंगे? आराम से 13 आ रहे होंगे। चलो समझो इस चीज़ को। मैंने कहा अगर मान लो जैसा 20 ले लूँ, फिर मैं 21 ले लूँ, फिर मैं 22 ले लूँ, फिर मैं 23 ले लूँ, फिर मैं 24 ले लूँ, फिर मैं 25 ले लूँ, और मैंने कहा डिवाइडेड बाई इसको मुझे 10 से करना। तो आप कहोगे सर एक चीज़ तो यहाँ मेरे को समझ में आ गई कि 10 से जब ये पूरा कट ही गया, ये पूरा ही कट गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो होगा वो 20 का मल्टीपल ही तो होगा। तो कह सकते हो कि अगर ये 20 से इंटू, बहुत ध्यान रखना, इंटू में अगर कोई एक नंबर पूरी तरीके से कट जाए तो समझ जाना पूरा इक्वेशन उसमें कटा हुआ माना जाता है। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो, और इसको मुझे अगर मान लो कि 2 से ही काटना है, तो पूरा पूरा इक्वेशन डिविजिबल हो जाएगा। रीजन क्यों? ये सब इवन ऑड है, सही बात है, ये क्या है, इवन है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 2 का अगर किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा इवन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलो जब ये 2 से डिविजिबल हो गया तो क्यों ना पूरा मल्टीपल ही कर दोगे आप 2 से, तो पूरा पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर तो बचेगा ही। यही चीज तो हम यहां देख रहे हैं कि 13 इसमें तो आएगा ही, कहीं ना कहीं तो फैक्टोरियल 13 रहा ही होगा बीच में। तो जैसे ही 13 आया तो पूरा इक्वेशन 13 का मल्टीपल हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। देखो कितना आसान है। ठीक है, आप घबराना नहीं, ऐसे करके बहुत से थ्योरम आने वाले हैं। अभी भी हम बेसिक बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपकी सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों को बताइए, उनको समझाइए। अभी धीरे धीरे करके हम लोग बहुत से थ्योरम पढ़ने वाले हैं, आपको दिखाने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हम लोग एक्चुअली 9-10 टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे बेसिक तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, फैक्टोरियल में आप देख ही चुके हैं। फिर आप पढ़ेंगे हम लोग बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे फर्नेट थ्योरम, फिर आप पढ़ेंगे विल्सन थ्योरम, फिर आप पढ़ेंगे यूलर थ्योरम, फिर आप पढ़ेंगे चाइनीज थ्योरम, फिर आप पढ़ेंगे एल्जेब्रिक थ्योरम, एल्जेब्रिक थ्योरम पढ़ेंगे, फिर आप कुछ स्पेशल केस जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशल केस वगैरह जानेंगे, फिर आप कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जानेंगे। तो आप घबराए नहीं, आप घबराए नहीं बिल्कुल, सारा कुछ आपको धीरे धीरे करके बताया जाएगा। अभी तो आप केवल बेसिक पढ़ेंगे, अभी बायनोमियल, फर्नेट, विल्सन, यूलर, चाइनीज, एल्जेब्रिक, स्पेशल केस, थ्योरेटिकल, ऐसे करके पूछे 8-9 जितने भी टॉपिक है सारे पढ़ने। तो धीरे धीरे करके समझे, बहुत केस बचे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।